तो 16A का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये क्वेश्चन में एक डिफिकल्ट ये होती है कि फिगर भी खुद बनाने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े डिटेल होते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी पी इज अ पॉइंट, इसका नाम रख देता हूँ ए बी सी डी। पी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी। अब उसने बोला पी इज अ पॉइंट, तो पी कहीं भी हो सकता है, उसको बीचों मत लगाइए, क्योंकि जैसे ही आप उसको बीचों लगाएंगे आपको लगना शुरू हो जाएगा कि ये तो उसका सेंटर है, सेंटर में भी लगा रहे। क्यू इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। अब ये जो क्यू है ये भी कहीं साइड पे लगाइए, बीच में मत लगाइए। प्रोजेक्ट समझ आ रहे? प्रूव दैट सी पी डी, सी पी ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल ए क्यू डी, ए क्यू डी, ए क्यू डी, ये सी है भाई, ठीक है समझ आ गया ना? ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्यू है। तो ए क्यू डी, ए क्यू डी ट्रायंगल दिखते नहीं है, प्रॉब्लम है, ट्रायंगल दिखते नहीं। सी पी डी, सी सी पी डी, अरे फोटो गलत बना रहा हूँ, सॉरी सॉरी। सी पी डी ये सी पी डी है, गलती कर रहा हूँ तो रोको, सॉरी। और ए क्यू डी, ए क्यू डी, ए क्यू डी ट्राइंगल देख के प्रूफ क्या करना है, इनका जो एरिया है वो इक्वल है। अजीब सा लगता है, दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता, कैसे हो सकता है? चलो 2 मिनट सोचिए फिर मैं बताऊँ, 2 मिनट सोचिए। देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अगर आप ए क्यू डी के सोचेंगे, ए क्यू डी के बारे में पहले सोचिए, ए क्यू डी के बारे में सोचिए। अब ए क्यू डी जो है ये बेस है, इसी बेस पे पैरेललोग्राम है और इसी बेस पे ट्राइंगल है। मेरी बात नहीं समझ आई? कल हमने थ्योरम की थी, क्या थ्योरम की थी? ये दो पैरेलल लाइन है, ये सेम बेस है, इस सेम बेस पे ये पैरेललोग्राम है और सेम बेस पे ये ट्रायंगल है। तो जो ट्रायंगल होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, नहीं तो क्या? तो ए क्यू डी जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ है, नहीं समझ रहा है? नहीं समझ आया तो रोक लो। उसी तरह ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी सी पी, डी सी पी, वो ट्रायंगल भी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है और उस बेस पे दो, एक ट्रायंगल उगा हुआ है और एक पैरेललोग्राम उगा हुआ है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, इसलिए जो ट्रायंगल टी पी सी है उसका एरिया भी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। गुप्ता जी ठीक है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों का एरिया इक्वल होगा। नहीं समझ? इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे स्टार लगाइए, क्योंकि इस लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। आप फालतू के क्वेश्चन करते रहेंगे गूगल में सर्च कर करके या कहीं से डाइजेस्ट ले आएंगे, वो सब टाइम पास है, उससे अच्छा बचना मैंने उसमें फोकस किया। लेवल समझिए, कंसेप्ट को पढ़ो, एस लेवल का क्वेश्चन आएगा, नहीं समझ रहा? इसके ऊपर नहीं आएगा। क्या यही क्वेश्चन आएगा? नहीं, यही क्वेश्चन इस लेवल का आएगा जी, इसी लेवल का आएगा।
नहीं आएगा तो लड़ाई का लग रहा है, इस लेवल का ही है। चल रहा है, एरिया ऑफ ए क्यू बी, ऐसे बोला जा रहा है, एरिया ऑफ ए क्यू डी, ए क्यू डी का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी डी, ये वाला एरिया प्लस एरिया ऑफ सी पी बी, सी पी बी। फिर से 2 मिनट देता हूँ, सोचिए जरा, 2 मिनट देता हूँ सोचिए, मैं तो बताई दूंगा। फोकस कीजिए एरिया पे, हाइजेनबर्ग पे नहीं, समझा। देखिए तो गुप्ता जी क्या बोल रही है कि सर ए क्यू डी जो है, ए क्यू डी, ये देखिए ट्राइंगल दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से दिखाता हूँ, ए क्यू, ये वाला ए क्यू। आपने अभी पार्ट वन में प्रूव किया है कि ए क्यू डी का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, डीपीसी के इक्वल है, लिख रहा डीपीसी के इक्वल। डीपीसी जो है वो पैरेललोग्राम का आधा एरिया, तो पैरेललोग्राम में बचा क्या, यही तो बचा ये और ये। तो पीडीसी का एरिया ये शेडेड पोर्शन के इक्वल ही तो होगा, दिमाग में घंटी बजी नहीं होगी, एक बात याद रखिए जो कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, वो ये हो जाता है कि कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव कर, एरिया इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रेंसी में और एरिया में डिफरेंस है। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये ट्राइंगल और ये सर्कल का एरिया सेम है पर ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो आपका दिमाग बार बार कॉन्ग्रेंसी की साइड जाएगा, आपको लगेगा कि वो कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, वो कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव करना होता जी, वो एरिया इक्वल प्रूव करना है। एटलीस्ट मैं जब ये चैप्टर कर रहा था तो मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं हर बार बार कॉन्ग्रेंसी की तरफ चले जाता, अरे वो कॉन्ग्रेंसी नहीं है। श्रेया जी को तो कॉन्ग्रेंसी भी नहीं आती, राज की है पहाड़ी सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हो रही, डजेंट मैटर वी मच। हाँ जी मित्रों समझ आया, पकड़ लीजिए जो मैं बात कह रहा हूँ, फिर से पकड़ लीजिए, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, इसे नीचे भी नहीं आएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा आपके टीचर ने डाला तो क्वेश्चन डाल देगी आपकी टीचर, ऐसा मैं वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, टीचर्स को ये क्वेश्चन भी अच्छा लगता है। जी एक सेकंड माफ कीजिए, अगर आपके टीचर ने क्वेश्चन डाला तो ऐसा सा क्वेश्चन डाल देगी, एक्सरसाइज 16 सी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये दोनों सेम ही लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 के बारे में सोचिए, फिर मैं कराता हूँ, सोचिए।